अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज की प्लेजिंग आपकी स्क्रीन पर है। गाइस दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं यू शुड बी विजिलेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनीज आपको सिग्नल्स देती है। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर शशिकांत दास आरबीआई गवर्नर को एक लेटर लिखा जिसमें क्वेश्चन रेज किया है अदानी ग्रुप के पिछले साल से इस साल और ज्यादा डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर, और इसके बावजूद SBI का 5000 करोड़ का लेवरेज देने का कुछ प्लान चल रहा है अदानी ग्रुप को उस पर। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि अगर PSUs इस तरह से जो हाई डिफॉल्ट करने के चांसेस वाले कॉर्पोरेट हाउसेज है उनको भी लेवरेज दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं RBI पे भी क्वेश्चन उठा रहा है। और अदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप कंपनीज के बढ़ते हुए डेट को लेकर रोज नई न्यूज आ रही है, और एक न्यूज ये भी आई है कि अदानी बन गए हैं वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन। सिर्फ 3 साल में अदानी ग्रुप बन गया सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट ग्रुप और अदानी बन गए वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन। लेकिन इस 3 साल के टेन्योर में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रैली उनके स्टॉक्स में दिखाई, जो कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ा, उस पे टाइम टू टाइम कई क्वेश्चंस रेज हुए क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कंपनीज में, लेवरेजिंग बहुत ज्यादा है, शेयर होल्डिंग का प्लेजिंग बहुत ज्यादा है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, फ्लोट बहुत कम है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो टाइम टू टाइम रेज होते रहे और हम आपको अलर्ट करते रहे। लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली 2 दिन में अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उनमें बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें ओवरऑल नेटवर्थ की तो 25% से अदानी ग्रुप की नेटवर्थ कम हो गई सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी जिसके बेसिस पे ये गिरावट शेयर में आई। अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है वो कोई CSR कंपनी नहीं है जिसने लोगों के बेनिफिट के लिए ये रिसर्च की हो, वो बेसिकली एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो ओवरऑल ग्लोब में से कुछ कंपनीज को पिक करती है, उसके स्टॉक्स को खुद और अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट सेल करवाती है, उसमें फोकस करती है कि एक अच्छी गिरावट होगी और उस पे वो एक रिपोर्ट देती है जिसके बाद भयंकर गिरावट स्टॉक्स में आती है। पॉइंट इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है कि खुद प्रॉफिट कमाने के लिए वो गिरावट लेके आते हैं स्टॉक्स में, या फिर वो एक इनडेप्थ रिसर्च करते हैं, इस तरह की कंपनी उठाते हैं जिनमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज चल रही है, जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है, जिनके स्टॉक्स में फेक रैली है, और जिन पे अगर रिसर्च की जाए तो ऐसे पॉइंट सामने आएंगे जो गलत फंक्शनिंग है, जिस गलत तरीके से रैली आई है उसको हाईलाइट कर पाएगा और इसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी और इसका बेनिफिट उनको शॉर्ट सेलिंग में हो जाएगा। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव है। तो क्या है ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, क्या इनकी रिपोर्ट है, क्या इनके क्वेश्चंस है, इस पे भी हम बात करेंगे, और क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इसका इंपैक्ट आया है, इनफैक्ट ओवरऑल LIC जो सबसे बड़ा DII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माना जाता है उसे भी इसका 18,000 करोड़ का लॉस सिर्फ 2 दिन में हुआ है, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप भी बहुत प्योर है, ऑब्वियसली अगर कहीं धुआं है तो आग तो होगी, तो ना हिंडनबर्ग ना अदानी कोई बहुत ज्यादा प्योर नहीं है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आपके लिए जरूरी है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे इस पूरी एनालिसिस, इस पूरी रिपोर्ट के एनालिसिस करने के बाद। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कितनी गिरावट आई वो आपकी स्क्रीन पर है। कुछ स्टॉक्स में 20% से ज्यादा की गिरावट है और कुछ स्टॉक्स में कम 5% या 10% पे गिरावट रुक गई बिकॉज उनका लोअर सर्किट हिट कर गया, वरना ये और ज्यादा गिरते। तो ओवरऑल ग्रुप के हर कंपनी में भारी गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की। ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च करके ये जो फाइनेंशियल स्कैम्स फ्रॉड्स हो रहे होते हैं उन कंपनीज को हाईलाइट करती है और उसमें शॉर्ट सेलिंग करती है खुद के लिए, खुद के इन्वेस्टर्स के लिए, और पैसा कमाती है। ऐसा नहीं है कि ये जो शॉर्ट सेलिंग वाली चीजें ये उन्होंने छुपा के रखी है, ये खुद कहते हैं कि यस दिस इज हाउ वी वर्क। इन्होंने अभी तक सिर्फ 30 कंपनीज का एनालिसिस रिपोर्ट दिया है और उन 30 कंपनीज में इनकी रिपोर्ट आने के बाद बहुत भयंकर गिरावट आई है। कौन सी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है जिसमें से निकोलस मोस्ट टॉक्ड अबाउट केस है उनका, जहां पे इनकी रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में 94% तक की गिरावट देखी गई। इसके अलावा इनका SC वर्क के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी जिसमें अगले दिन सिर्फ 3% की गिरावट आई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इसमें गिरावट आई 90% की। जो ये 30 कंपनीज इन्होंने रिपोर्ट निकाली है ऑन एन एवरेज नेक्स्ट 1 or 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% तक की गिरावट, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स 26% तक की गिरावट ऑन एन एवरेज इनके हर
रिपोर्ट वाले स्टॉक में देखी गई है। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें कंपनी की, तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्टॉक को पिक करके उसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं और फिर उसके गिरने के लिए रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये ओवर द ग्लोब ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जिनमें कहीं ना कहीं कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है, इंडिकेटर्स हाईलाइटेड है, और उसपे ये लोग रिसर्च करते हैं। जब इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके बाद ही उसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज कोई तथ्य इनकी रिपोर्ट में रहता है, धुएं के पीछे की आग या हाईलाइट करते हैं, तो इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद ये गिरावट और बढ़ती है। अगर ये सिर्फ फेक न्यूज सर्कुलेट करते तो वो गिरावट एक दिन दो दिन की होती, पैनिक सेलिंग होती और उसके बाद स्टॉक रीगेन कर लेता, बाउंस बैक कर लेता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 महीने 6 महीने में गिरावट बढ़ना, इसका मतलब कि जो रिपोर्ट है उसको सपोर्ट करती है। मेन 5 क्वेश्चन रेज किए गए इस रिपोर्ट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रुप है उसके स्टॉक्स में एक बहुत ज्यादा भयंकर रैली आई, और वो इस वजह से आई क्योंकि कंपनी के जो अदानी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा कंपनी में पंप किया और स्टॉक के रेट्स को पंप किया। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इनका शेयर होल्डिंग ऑलरेडी 75% का तो अदानी ग्रुप ने उसमें शेयर होल्डिंग रखा हुआ है, क्योंकि दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट के 25% बाहर का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 75% ज्यादा नहीं हो सकता लिस्टेड कंपनी में, इन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस में 75% का शेयर होल्डिंग रखा हुआ है। उसके बाद जो 25% है उसमें भी 15% 20% इनके जो रिलेटिव्स है, जो कंपनीज है, शेल कंपनीज है फॉरेन के थ्रू, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक्चुअल फ्लोट जो मार्केट में है वो सिर्फ 10% है। नाउ सप्लाई इज वेरी लेस, डिमांड इज वेरी हाई, तो इस वजह से इस तरीके से जो स्टॉक के रेट्स है वो पंप किए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं हम खरीदे, लेकिन बेचने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि बेचने वाले वो खुद है और वो जानबूझकर नहीं बेच रहे। तो इसकी वजह से, फ्लोट कम होने की वजह से रेट पंप किए जाते हैं, स्टॉक्स के रेट बढ़ाए जाते हैं, जो अदानी ग्रुप ने किया है। और इस वजह से जब ये रिपोर्ट भी आई तो एकदम पैनिक सेलिंग हो गई। जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने इसमें से एग्जिट कर लिया। जो एक्चुअल DII थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे लाइक LIC, उन्हें लॉसेस हुए। इनके पास खुद के पास शेयर होल्डिंग है, दे वोंट सेल एकदम से, राइट? ऑब्वियसली बैंक्स बेच नहीं सकते क्योंकि बैंक्स के इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन्स है। तो देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, बहुत ही फुल प्रूफ तरीके से एवरीथिंग इज डन। कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन रेज्ड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, कई ऐसे ऑपरेटर्स जिन पे ऑलरेडी सेबी और दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज के एक्शन चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, लाइक केतन पारिक, इस तरह के लोग इन्वॉल्व है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के रेट को बढ़ाने के लिए। एंड दिस हैज बीन मेंशनड एंड प्रूव्ड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स इन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन जो रेज किया गया है, जो पैसा है अदानी ग्रुप कंपनीज ने वो बाहर भेज दिया जाता था और फिर बाहर से वो अंदर पंपिंग करके जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट की गई। प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया और ये प्रॉफिट्स बढ़ाने के पीछे, ये फाइनेंशियल बुक्स को मैनिपुलेट करने के पीछे रीजन ये भी था कि जब आप मैनिपुलेटेड बुक्स को बैंक में देते हो तो बैंक आपके वो बुक्स और आपका बिजनेस देख के उस पर आपको लोन्स देता है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन करके लोन्स डिसबर्स करवाए गए। फोर्थ क्वेश्चन विच इज रेज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसे फैमिली मेंबर्स अदानी ग्रुप के जिन पे ऑलरेडी रेगुलेटरी एक्शंस केसेस चल रहे हैं वो इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनपे फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पिछले 8 साल में 4 CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया अदानी ग्रुप से, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये वॉइस आउट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कंपनी में कुछ फाइनेंशियल्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो इस तरह के मैनिपुलेशन को या तो वो हाईलाइट करें, अगर वो हाईलाइट नहीं कर रहे, वो हर चीज पे साइन कर रहे हैं, तो इट बिकम्स देयर लाइबिलिटी ऑल्सो। आवाज उठा नहीं पाए होंगे एंड देन दे ऑप्टेड टू एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। तो पिछले 8 साल में 4 CFO ने रिजाइन किया है, विच इज अ बिग थिंग। तो बेसिकली मैंने आपको अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि किस तरीके से बहुत सारी कंपनीज बनाई है, उसमें से कई सारी शेल कंपनीज है, कई सारी इंडिया में, कई सारी इंडिया के बाहर है। तो वो करते क्या है कि एक कंपनी में बिजनेस मॉडल बनाया, उस पे पैसा रेज करा, उसमें पैसा कमाने के बाद उन्होंने बाहर भेज दिया, फिर बाहर से रूट करके इन्वेस्टमेंट बना के उसे अंदर ले आए, उसके बाद में बुक्स में ओवर वैल्यूएशन हो गया, उससे बैंक से लोन ले लिया, अब इस लोन को यूज करके दूसरी कंपनी को खड़ा कर दिया, और इस तरीके से द साइकिल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन।
जब हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट दी तो क्या अदानी ग्रुप चुप बैठ गया? तो ऐसा नहीं है। अदानी ग्रुप ने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा कि हम इंडियन लेजिस्लेशन एज वेल एज यूएसए लेजिस्लेशन के बेसिस पे जो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है हिंडन ग्रुप पे वो लेंगे, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए, अपनी शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। और हमारे लिए जो बहुत क्रूशियल टाइम था, जब हमारा एफपीओ आया था उस टाइम पे हमारे ये क्वेश्चंस रेज करके हमारे ऊपर इस तरह से गलत रिपोर्ट लाके इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा लॉस किया है। जिस पर हिंडनबर्ग ग्रुप डरा नहीं, उन्होंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए हम पे ये केस कीजिए, क्योंकि हमारी रिसर्च में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप हमसे फॉर्मली लीगल लेजिस्लेशन के थ्रू अगर आप हमसे लीगल फाइट करते हो तो उस लीगल फाइट में हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। तो यू प्रेजेंट योर फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी वुड प्रेजेंट आवर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हिंडनबर्ग ग्रुप वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर लेजिस्लेशन में जाके भी ये पूरा डिस्कशन होता है तो दे वुड बी ऑन द विनिंग फ्रंट। इस सब के बाद में डेफिनेटली सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अदानी ग्रुप पे बहुत ज्यादा और स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज्यादा रिसर्च इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट पहले बीच में भी एक डीलिस्टिंग अदानी ग्रुप की सेबी ने रोक दी थी आफ्टर अ रिसर्च विच वॉज डन। तो लेकिन सेबी के अपने खुद के रेस्ट्रिक्शंस है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, हिंडनबर्ग अदानी की लड़ाई चलती रहेगी, सेबी की और दूसरी रेगुलेटरी एजेंसीज की रिसर्च चलती रहेगी, बट एक दिन में कुछ क्लियर नहीं होगा। स्टॉक ऊपर नीचे होगा, हो सकता है ये जो पैनिक सेलिंग है इसके बाद स्टॉक बाउंस बैक करे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया फ्लोट ऑलरेडी स्टॉक का बहुत कम है। मेजरली ज्यादातर स्टॉक होल्डिंग अदानी ग्रुप के पास या फिर उनकी खुद की फैमिली कंपनीज या शेल कंपनीज के पास ही है। तो अब सोचने वाली बात, देखने वाली बात और समझने वाली बात तो ये है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम एफपीओ की बात करें तो एफपीओ तो फेल हो गया है ऑलरेडी, जो स्टॉक का रेट हो गया है उससे ज्यादा के रेट पर एफपीओ आया है, तो एफपीओ फेल हो जाएगा। एफपीओ में तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और आप प्रॉफिट में है तो मेरे ख्याल से अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए स्टॉक से। अगर आप लॉस में है, ट्रेड के लिए आपने लिया था, तो आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया है तो लालच मत कीजिए, एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश बाइंग के बारे में इसलिए मत सोचिए क्योंकि अगर अभी जो करेक्शन आया है या आने वाले टाइम में और ज्यादा करेक्शन भी आता है और आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो एक बार पूरे स्टॉक मार्केट को और दूसरे सारे स्टॉक्स को देख के सोचिएगा कि क्या सिर्फ एक किसी ग्रुप में अपॉर्चुनिटी है। जब आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं सिग्नल्स दे रहा है और कॉन्फिडेंस हो तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज व्हाई यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे हिसाब से यू शुड रिसर्च, यू शुड बी वेरी कीन जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो आसपास आपको आहट होती है, जो आवाजें होती है, जो सिग्नल्स मिलते हैं, इनको जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी फ्रूटफुल रहे, आप इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाए, और इसीलिए टाइम टू टाइम मैं अपने अलर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। लेकिन एट द एंड क्या सही है क्या गलत है ये आपको अपनी खुद की रिसर्च करके डिसाइड करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।